अलवर के बहरोज गांव में जैन संत पावन सागर महाराज पर वन कर्मियों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार और जेसीबी से संत को कुचलने के प्रयास पर खफा जैन समाज के लोगों ने अलवर के होप सर्कस पर धरना दिया। यहां मौजूद जैन समाज के लोगों ने इस मामले में आरोपितों के ऊपर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। धरने में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। उसके बाद जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीएम प्रथम को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे जैन साधु मुनि श्री पावन सागर जी महाराज जो निहत्थे, उन पर इस तरह वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक तरह से जानलेवा हमला किया गया, उनके ऊपर जेसीबी भी चलाने का आदेश दे दिया गया, तो यह किसी भी तरह से इसको अच्छी कार्रवाई नहीं मान सकते। और इसके कारण जैन समाज में, अलवर में नहीं पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज में एक भयंकर रोष है और निश्चित तौर पे इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। और हमारा आज यही प्रयास है कि हम धरने के रूप में अपना विरोध प्रकट करें और यहाँ से सभी इकट्ठे होकर 11 बजे हम माननीय जिलाधीश कलेक्टर साहब के पास पहुँचेंगे, जिलाधीश महोदय के पास, और अपने ज्ञापन देंगे और अपनी रोष प्रकट करेंगे। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जाने के हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और सर क्या क्या मैटर रहे सर? अलवर का सकल जैन समाज आज अलवर जिले में बहरोज स्थित श्री पार्षद तीर्थ क्षेत्र में विराजमान मुनि श्री पावन सागर जी महाराज पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ अलवर के होप सर्कस पर प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक धरने पर बैठा है। और उस धरने के पश्चात 11 बजे वहां से मौन जुलूस के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय तक श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेक्षित करने के लिए यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय पर सारा समाज उपस्थित हुआ है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडीएम साहब को आज ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने डिमांड की है कि जो भी इस कार्रवाई में लिप्त हैं, जो भी वनकर्मी इसमें लिप्त हैं, उनको तत्कालीन निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। और जिस प्रकार वनकर्मियों ने मुनि श्री के ऊपर राज कार्य में बाधा डालने जैसा मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया है, उस मुकदमे को वापस लिया जाए और हमारे साधु संतों, जैन संस्कृति, हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति की रक्षा की जाए। सर आज सकल जैन समाज के नेतृत्व में करक साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। सुबह हम लोगों ने होप सर्कस पर 8 बजे से 11 बजे अपना विरोध प्रदर्शन कर रखा वहाँ पर। और उस विरोध प्रदर्शन के रीज़न ये है कि बहरोज में, अलवर ज़िले में बहरोज एक हमारा अतिशय क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे मुनि पावन सागर जी महाराज वहाँ विराजमान हैं और तपस्या करते हैं, उनको जंगल वाले बाबा के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके ऊपर प्राणघातक हमला करने की कोशिश की गई, जेसीबी से उन पर आक्रमण किया गया। तो इसके विरोध में कि जैन मुनि जो एक अहिंसा का पुजारी होता है, जो एक चींटी को भी नहीं मारता और उसके साथ इतना तरह का अवैध व्यवहार इनके द्वारा किया गया है, तो हमारी जैन समाज के द्वारा मीडिया से, प्रशासन से यही है कि उनको तुरंत निलंबित करें, गिरफ्तार करें। आपने ज्ञापन दिया है? आज हमने कार्रवाई नहीं हुई क्या? सर गिरफ्तार तो शायद किए हैं, लेकिन अभी उसके बारे में कोई क्या चाहते हैं? निलंबन जिन्होंने ये अवैध व्यवहार किया है साधुओं के प्रति, जब लोग बाग ये नहीं कर पा रहे, साधुओं को भी नहीं छोड़ रहे लोग बाग, तो आम आदमी का तो क्या करेंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति में, हिंदू में, जब जैन धर्मों के गुरुओं की जब रक्षा नहीं हो पा रही समाज में, तो मेरा तो यही निवेदन है आप मीडिया के मार्फत, कि हमने ज्ञापन के मार्फत कि वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ, जो भी प्रशासन कार्रवाई कर सकता है उन्हें गिरफ्तार करें, निलंबित करें। ज्ञापन इसलिए दे, जैन समाज के मुनि हैं पावन सागर जी महाराज बहरोज में विराजमान हैं और उनके ऊपर करीब 15 दिन पहले गांव वालों ने, फॉरेस्ट वालों ने मिलकर के जानलेना हमला किया, मुनि श्री को मारने की कोशिश करी, जबकि आबादी ज़मीन में, फॉरेस्ट ज़मीन में कोई लेनदेन नहीं होता है, ये काम ग्राम पंचायत करते, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार का अनावश्यक उपयोग करते हुए जेसीबी मशीन लेके महाराज श्री को धक्का मुक्की की, जो कि जैन समाज के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि इस तरह हमारे पूज्य मुनि होते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, कोई रखते नहीं है अपने साथ आडम्बर किस तरह का, तो ऐसे निर्ग्रंथ से साधु के ऊपर आक्रमण होने से पूरी सकल जैन समाज पे आंदोलन वो है, पूरी इंडिया भर की जैन समाज आंदोलन पर उतारू है। अगर कोई 5-7 दिन में कोई फैसला सरकार नहीं लेती है, सकल जैन समाज हिंदुस्तान भर का सड़क पर आंदोलन कर, हमने चालू कराया हमारे पावन सागर जी महाराज के ऊपर वो हुआ था घटना, उसके ऊपर आपने धरना दिया था, उपसर्कस का यहाँ कलेक्टर साहब को देने आए थे ज्ञापन, और उन्होंने हमारी
कलेक्टर साहब तो कोई काम में से बाहर गए हैं, इसलिए वो एडीएम साहब मिले थे। एडीएम साहब ने हमारी बातें सुनी हैं पूरी अच्छी तरह, उन्होंने आश्वासन दिया हमको कि आपका काम बिल्कुल जल्दी हो जाएगा।